राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके घर के अंदर कई बार क्या होता है कि हम लोग आपस में रह रहे हैं और हमारे घर के अंदर प्यार मोहब्बत की जो है बड़ी समस्या है कि प्यार मोहब्बत जो है वो हमारे जीवन से जो है वो निकलता जा रहा है। नीरसता हमारे जीवन में जो है वो आती जा रही है और हमारे आपस में जो है रिश्ते जो है वो खराब होते जा रहे हैं। चाहे वो रिश्ते जो हैं वो आपके हस्बैंड वाइफ के हों या आपके परिवार के साथ में आपके रिश्ते हों या आपके बच्चों के साथ में आपके रिश्ते हों, तो वो हमारे जो है खराब होते जा रहे हैं। इस बिजी शेड्यूल में हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं और ये रिश्ते क्यों खराब होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है कि हमारे रिश्ते जो है वो खराब होते जा रहे हैं। और आपको वास्तु के हिसाब से मैं अगर आपको बताती हूँ तो अगर हमारे घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो हमारे घर में स्टेबिलिटी की होती है, रिलेशनशिप की होती है, वहां पर अगर आपकी किचन होती है तो हमारे रिश्ते जो है वो खराब हो जाते हैं। और ऐसे बहुत से कारण होते हैं कि हम अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो हम उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अपने अपने लाइफ में इतना बिजी है कि हमारे पास जो है उनके लिए टाइम नहीं है, और जब उनको जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से हम ऐसे उपाय करें या कौन सा हम ऐसा काम करें जिससे हमारे रिश्ते जो हैं वो हमेशा बने रहें, क्योंकि देखिए दर्शकों, अगर रिश्ते अगर अच्छे नहीं होंगे तो हमारे जीवन जीने का जो है वो जीवन जीने का जो जिस एम को जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो हमें बोझ लगने लग जाए। तो रिश्ते जो है अगर आपके हस्बैंड के या आपकी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या आपके हस्बैंड का आपसे प्यार कम होता जा रहा है या अगर आपको शिकायत है कि मेरी वाइफ का मुझसे प्यार कम होता जा रहा है या उसका ध्यान कहीं और जा रहा है, आपके हस्बैंड का ध्यान कहीं और जा रहा है, तो ये आपको मैं आज एक ऐसा रामबाण उपाय और एक ऐसा अचूक उपाय आपको देने जा रही हूँ जिससे आपकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, आपके घर के अंदर जो है वो बरकत भी होती रहेगी और आपके घर में जो है सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो दर्शकों, आपने क्या करना है कि देखिए कोई सी भी एक ऐसा स्टैचू जो है आपने बाजार से लेकर आना है या अपनी कुछ फोटोग्राफ्स जो है जिसमें आप बहुत अच्छे लविंग मूड में हो और कुछ अच्छी फोटोग्राफ्स आपकी लग जाए या आपका जो जैसे आपकी फैमिली का देखिए स्टैचू है, तो ये ऐसे स्टैचूज कुछ आपने बाजार से लेके आने हैं, एक ले आइए, दो ले आइए, तीन ले आइए, तो इस प्रकार के स्टैचू जो है आपने लाने हैं और इसको आपने अपनी घर की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपने इसको लगाना है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो हमारे फन की जोन होता है, फन और इन्जॉयमेंट, यानी कि आपके जीवन से इन्जॉय जो है निकल गया है। इन्जॉय कैसे निकलेगा, यानी कि आप काम में ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे तो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में जो है नीरसता आ गई है। तो ऐसी जो है वो पिक्चर अगर आप अपने घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं, कि अब आप पूछेंगे कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है, यानी कि ईस्ट से पहले आपने लगाना है, नॉर्थ ईस्ट के बाद लगाना है। तो ईस्ट की डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के बीच में होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जहां पर E4 E5 भी आता है। जो लोग वास्तु का ज्ञान रखते हैं उन्हें समझ में आ गई होगी मेरी बात। और जो एंट्रीज होती है E4 E5 की एंट्रीज होती है हमारी, तो इस जगह पर आप जो है अगर आप ये रखते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली जो है वो आने के योग आपके बन जाएंगे, आपके जीवन में प्यार बन जाएगा, सुख समृद्धि आएगी, आपके जीवन से निरस्ता चली जाएगी, आपके जीवन में अगर कोई थर्ड पर्सन की अगर आपके जीवन में एंट्री हो गई है तो वो भी धीरे 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 इस रास्ते से निकलता चला जाएगा। तो कीजिए ये भाव उपाय, आपके लिए बहुत जो है शुभ रहेगा। ये छोटा सा उपाय है, इसको करके देखिए आपके जीवन में सुख शांति और खुशहाली जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ मैं इतना कहूंगी आपको अंत में कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है चैनल को जो है ज्यादा लोगों पर शेयर कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और आपको ये बोलूंगी कि अगर अभी अगर आप हमारे ही इस प्रकार से हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, मैं साक्षी ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में। राधे राधे।